मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग कर लौटे खिलाड़ियों अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह एवं सूरज पवार ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग पर तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सूरज पवार ने 42 किलोमीटर रेस वॉक मिस्ट रिले, परमजीत सिंह ने 20 किलोमीटर रेस वॉक एवं अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर में प्रतिभाग किया। देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रिटायर इंजीनियर के घर 16 अगस्त की रात हुई लाखों की चोरी मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 41 लाख रुपए के गहने और डॉलर भी बरामद किए गए हैं। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दूधली रोड से 20 वर्षीय सौरभ और 22 वर्षीय मनदीप दोनों निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया है। तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है और सबस ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, क्योंकि काफी सारी चीजें वो भूल गए थे लिखवाना। एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला सपेरा जनजाति के लोग हैं, ये अपने कपड़ों को बदल देते हैं जब कहीं घटना करते हैं, जिससे कहीं CCTV में ना आए। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं बहुत दूर जाकर, और रेलवे ट्रैक को ही फॉलो करके जाते हैं। ये जो घर था वहां से पास में रेलवे ट्रैक है जयपुरकला में, तो उन्होंने वहां चोरी करी और रेलवे ट्रैक से पैदल पैदल ये निकल गए और इसके बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ते हैं। क्योंकि भी फुटेज और कहीं नहीं थी, मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर जो हमारी टीम लगी थी, बहुत बड़ा वर्कआउट किया और 41 लाख की इसमें जो पूरी ज्वेलरी थी वो बरामद कर ली गई। अभियुक्तों को जेल में भेजा जाएगा। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से टिहरी के कुलमाड़ा क्षेत्र में जंगल गदेरा उफान पर आ गया, जिससे सीतापुर गांव को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। पुलिया के बहने से जंगल में बने एक रिजॉर्ट में 8 पर्यटक फंस गए। जान खतरे में दिखाई दी तो पर्यटकों ने कंट्रोल रूम को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी राम नरेश शर्मा STRF की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आपदा उपकरणों की मदद से पर्यटकों को सकुशल गदेरा पार करा के उनकी जान बचाई। रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड के बाद लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मृतका नर्स के परिजनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंड में धरना देने जा रहे थे। इसी को लेकर गदरपुर पुलिस ने गैरसैंड जाने से बैरिकेटिंग लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और मृतका के परिजन सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। मृतका नर्स की बहन ने बताया कि न्याय की मांग को लेकर हम लोग विधानसभा जा रहे थे, लेकिन उधम सिंह नगर की पुलिस और प्रशासन ने ही हमें यहाँ पर जबरदस्ती रोक दिया है और मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। हम न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो हम जेल जाएंगे या गैरसैंड जाएंगे। जो भी प्रकरण हुआ है उसके संबंध में पुलिस द्वारा अरेस्टिंग हो चुकी है और पुलिस विभाग द्वारा उस पर उच्च स्तर से उसकी विवेचना और मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अतिरिक्त जो यहाँ वाली बात है, हमें सूचना मिली थी कि कतिपय लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस वजह से आए हैं और उसके आधार पर अभी वर्तमान में उनको उठने के लिए कहा जा रहा है और SP सिटी साहब भी आ गए हैं, क्योंकि मामला पुलिस से संबंधित है। पुलिस वाले कर रहे सुरक्षा की दृष्टि से आए गए तो बेसिकली इन लोगों के द्वारा जो मांग के CBI मांग की थी CBI से जाँच कराना थी, उसके प्रमुख में इनसे बात की गई कि क्या संतुष्टि के उनके असंतुष्टि के क्या इनके पॉइंट्स हैं या किस बिंदु पर ये लोग असंतुष्ट नहीं हैं, तो उस बारे में कुछ विशेष लोगों ने बताया नहीं। इन्होंने एक जनरल टाइप का बोला कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और CBI की मांग के लिए हम लोग जाना चाहते हैं और हमारे पास अनुमति है, तो ये इनसे वार्ता की गई और वार्ता के पश्चात।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर देश हित में किए गए उनके कार्यों को याद किया गया और सूचना क्रांति के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान पर चर्चा की गई और उन्हें सूचना क्रांति का जनक बताते हुए वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। हर वर्ष की भांति हम यहाँ पे उसको मना रहे हैं। हमारा सिर्फ उनके जन्मदिन को मनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ फोटो पे हमें सिर्फ फूल चढ़ाने हैं। हमने जो उनके द्वारा जो अपने अल्प कार्यकाल जब वो प्रधानमंत्री रहे, 7 साल का सिर्फ उनका टोटल कार्यकाल रहा, लेकिन उनके द्वारा सूचना क्रांति के वो जनक रहे हैं। पंचायती राज के का जन्म उन्होंने किया है, महिला आरक्षण 33% उन्होंने दिया, तो इस तरह के ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं जो मैं आपको गिना नहीं सकता। इतने अनगिनत कार्य हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य इन जन्मोत्सव को और इन पुण्यतिथि का मनाने का ये मकसद रहता है कि जो हमारे आने वाले युवा हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, कम से कम उन लोगों को उनके बारे में पता लग सके कि उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं और किस तरह से इस देश को प्रगति की ओर ले गए हैं। कांग्रेस के साथियों ने जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है जन्मदिन को मनाया और उनको याद किया कि राजीव जी ने इस ऐसे विषम समय में जिस समय आतंकवाद हावी चल रहा था, ये सब हो रहा था, उस समय उनको जो है इंदिरा जी की शहादत के बाद जो है उनको प्रधानमंत्री पद संभालना पड़ा और इस देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेना पड़ा। तो राजीव गांधी संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं। सैम पैट्रोदा उनके जो है एडवाइजरी थे, उन्होंने उस बात को बहुत आगे बढ़ाया और आज जो विश्व शांति की बात आती है, विश्व शांति के लिए जो है उन्होंने काम किया। श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजा, शांति सेना भेजी और शांति सेना भेजने के बाद जो है अपने प्राणों की उत्सर्ग, उनके विचारों का उत्सर्ग हो गया, उनके शरीर के कई कई टुकड़े कर दिए गए। आज उनको हम नमन करते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो है सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं तो उनमें जल स्तर बढ़ेगा, उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है तो ही करें, नहीं तो जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बहुत जरूरी आवागमन जो है तो बहुत सतर्क हो करके और जैसे प्रशासन आपको दिशा निर्देश देता है उस तरह से जो है आवागमन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या जो रास्ते हैं वो थोड़े जो है बंद होंगे कहीं कहीं पर, आप देखेंगे हिल्स में, तो वो चीज़ को देखते हुए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग लैंडस्लाइड एरियाज के आसपास रहते हैं जहाँ एक्टिव लैंडस्लाइड जोन इस तरह की संभावना है तो उनको भी काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा।